हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी ये चीजें देखा होगा कि बिफोर और इन फ्रंट ऑफ काफी कंफ्यूजन होता है ये दो प्रेपोजिशन में। तो आज हम आपको बिफोर और इन फ्रंट ऑफ बीच में कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बताने वाला हूं कि क्या दोनों के बीच में कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। आप चाहे हिंदी माध्यम से हो चाहे इंग्लिश माध्यम से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। सबसे पहले समझेंगे कि बिफोर का मतलब होता है अर्लियर देन। अर्लियर देन कहने का मतलब है कि आप किसी को बता रहे हो किसी चीज से पहले। जनरली अर्लियर देन कहने का मतलब होता है टाइम से, रिलेट करता है ये टाइम से। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे कि वी मस्ट लीव बिफोर 4 o'clock, यानी आपको ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को 4 बजे के पहले लीव कर देना है, यानी निकल जाना है। यू हैव टू कम हियर बिफोर 6 PM, आपको शाम के 6 बजे से पहले आ जाना है। तो बिफोर का एक सेंस हुआ टाइम से पहले, यानी जो दिया हुआ टाइम है उससे पहले। दूसरा यूज देखेंगे, बिफोर कैन मीन इन अ मोर इंपॉर्टेंट पोजिशन देन, यानी इसका एक अर्थ होता है कि जब आप सभी चीज के ऊपर किसी चीज को रखते हैं, ठीक है, पोजिशन, या उसको आप वैल्यू करते हैं या उसको आप इंपॉर्टेंस देते हैं, तब आप बिफोर का यूज करते हो। जैसे देखेंगे, शी इज सो एम्बिशियस दैट शी पुट्स हर जॉब बिफोर हर फैमिली, यानी वो इतनी एम्बिशियस है कि अपनी परिवार से भी ऊपर किसको रखती है, जॉब को रखती है। नथिंग इज बिफोर माई फैमिली, यानी मेरे फैमिली के आगे कोई भी नहीं है, उसके पोजीशन में कोई भी नहीं है, यानी सबसे पहले मेरी फैमिली है, फिर दूसरे पोजीशन किसी दूसरे चीज का आता है। तो पहले दो रूल्स आपको समझ में आए, या दो यूजेस कहें या दो कॉन्सेप्ट्स कहें कि बिफोर का यूज करते हैं। दो और रूल्स समझेंगे, बिफोर कैन मीन फेसिंग। ये चीजें आप लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं जब आप बोलते हैं इंग्लिश को या जब आप लिखते हैं। कह रहा कि फेसिंग यानी सामना करते हुए, जनरली बिफोर पर्सन, यानी जब आप किसी इंसान का सामना कर रहे हैं, किसी इंसान के सामने हैं, तो आप बिफोर का यूज करेंगे। द हैंडसम सिंगर हैड मेनी अडोरिंग फैंस बिफोर हिम, यानी वो जिधर फेस था सिंगर का, उसके सामने बहुत सारे लोग थे, यानी बहुत सारे फैंस के सामने जो था वो कौन था, हैंडसम सिंगर था। नो बडी कैन टच यू बिफोर मी, यानी कहने का कि मेरे सामने तुम हो और मेरे सामने कोई तुमको टच नहीं कर सकता है। नंबर 4 को समझेंगे कि बिफोर कैन मीन इन द प्रेजेंस ऑफ। अब देखिए, इसका मतलब भी हम लोग तीसरा नंबर ही निकाल लेते हैं, यानी जो तीसरा नंबर का रूल है। तो देखिए, जब किसी की उपस्थिति में कोई बात कही जाती है तब आप वहां पर बिफोर का यूज करते हैं। आपने ये सेंटेंस जरूर सुना होगा कि उसे जज के सामने पेश करने के लिए कहा गया। तो जज के सामने नहीं, बल्कि जज ऑलरेडी प्रेजेंट था वहां पर, और उसके सामने यानी उनकी प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में उसे कहा गया आने को। एग्जाम्पल समझेंगे, आई वॉज टोल्ड टू अपियर बिफोर द जज, यानी मुझे जज के सामने यानी जज की उपस्थिति में पहुंचने को कहा गया या अपियर होने को कहा गया। यू हैव टू स्पीक इन फेवर ऑफ मी बिफोर द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के सामने, यानी प्रिंसिपल उपस्थित रहेंगी और आपको उनके सामने मेरे फेवर में बोलना है। आई होप 4 यूजेस आपको बिफोर के समझ में आए। तो आइए बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ की। इन फ्रंट ऑफ मीन्स लोकेटेड बिफोर और फेसिंग समथिंग, यानी किसी चीज से पहले लोकेशन बता रहे हैं आपको, या फेसिंग को भी बता रहे हैं। अगेन यहां पर देखेंगे, फेसिंग में आपका बिफोर भी था, लेकिन बिफोर का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं और इन फ्रंट ऑफ का यूज हम करते हैं समथिंग के लिए। देखिए, दो स्ट्रक्चर्स यहां पर है। पहला है आपका नाउन इन फ्रंट ऑफ नाउन, देयर इज अ वैन इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, यानी जो लोकेटेड है, यानी वैन का जो लोकेशन है वो कहां है, उन लोगों के घर के सामने है। दूसरा है कि अगेन वर्ब प्लस इन फ्रंट ऑफ प्लस नाउन लिखेंगे, द टीचर यूजुअली स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास। अब देखेंगे, यहां पर फेसिंग का सेंस है, यहां लोकेशन का सेंस नहीं है, फेसिंग का सेंस है। ही वॉज इन फ्रंट ऑफ मी इन लाइन, अगेन यहां पर फेसिंग का सेंस है कि भैया वो आमने सामने शायद हम खड़े रहे होंगे लाइन में। लास्ट है इन फ्रंट ऑफ का मतलब आप फ्यूचर को बताने के लिए करते हैं, यानी फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए भी करते हैं। शी हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ हर, इन फ्रंट ऑफ हर कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि अभी है, बट आने वाले टाइम में उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होंगी। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं आने वाली है, यानी अभी तत्काल में नहीं बट आने वाली, यानी फ्यूचर में हमारे सामने होगा।
आई होप बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।